हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे 18 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंडित शिव शर्मा ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित शिव शर्मा। नेशनल वुमेन्स डे यानी राष्ट्रीय महिला दिवस ये किसका बर्थडे होता है, किसका जन्मदिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, नेशनल वुमेन्स डे? INS शिवाजी हमारी जो भारतीय नौसेना है उसका एक जहाज है INS शिवाजी, इसको कौन सा सम्मान अभी अभी प्राप्त हुआ है रिसेंटली? वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे वेंडल रॉड्रिक्स? भारत जो है वो कौन से देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एक तरह का समुद्री जल सर्वेक्षण होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एक व्यक्ति हैं ऋषि सुनाक, ये न्यूज में अभी अभी क्यों आए थे ऋषि सुनाक? गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क ये कहां पे बना है, कौन से जिले में बना है, कहां बना है गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क? की गाली ये कौन से देश की कैपिटल है, KIGALI की गाली, हिंट देता हूं अफ्रीका का देश है। मैत्री युद्ध अभ्यास जो हम करते हैं थाईलैंड के साथ, मैत्री युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ, मैत्री 2019 ये कहां पे हुआ था? ए सूर्य प्रकाश ये व्यक्ति जो हैं ये कौन से संगठन के अध्यक्ष थे, इन्होंने अभी अभी रिजाइन किया है। ए सूर्य प्रकाश सेवानिवृत्त हो गए कौन से संगठन के अध्यक्ष पद से? डालिला मोहम्मद ये बहुत मानी हुई 400 मीटर हर्डल की एथलीट हैं, ये कौन से कंट्री की हैं? डालिला मोहम्मद कौन से कंट्री की हैं? ऑगस्टा मास्टर ये खिताब कौन से खेल से संबंधित है, कौन सा स्पोर्ट है, कौन सा खेल है जिसमें ऑगस्टा मास्टर नाम का खिताब दिया जाता है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक? कौन सी कंपनी है जिसने वी थिंक डिजिटल नाम का प्रोग्राम शुरू करा है डिजिटल लिटरेसी के लिए, डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए वी थिंक डिजिटल, ये किसने शुरू करा है? पंजाब के गवर्नर कौन है, पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है काफी लंबे समय से? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में है इसका नाम पलटकर अब किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा, NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट फरीदाबाद। 50 रुपए का जो नोट होता है आपको उसके पीछे किस चीज का फोटो मिलेगा, 50 रुपए के नोट के पीछे जो नया वाला 50 का नोट निकला था उसके पीछे किस चीज का मोटिफ आपको मिलेगा रिवर्स साइड पे? अमरजीत सिंह क्याम ये कौन से खेल से संबंधित हैं, काफी आजकल अखबारों में इनके चर्चे हो रहे हैं, अमरजीत सिंह कियाम किस खेल से संबंधित हैं? प्रत्युत चान ओचा ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रयुत चान ओचा। तो ये थे हमारे आज के क्विज क्वेश्चन, आसान है, 19 सवाल हैं, कोई ज्यादा नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जी की, शिव शर्मा जी, और ये हैं संतूर वादक, एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बोलते हैं संतूर। तो पंडित शिव शर्मा और इनके बेटे राहुल शर्मा दोनों संतूर बजाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता था, नाइटिंगल कहा जाता था, क्योंकि इनकी कविताएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, सरोजनी नायडू। INS शिवाजी को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर्स, राष्ट्रपति के रंग, प्रेसिडेंट्स कलर्स मिला है INS शिवाजी को। वेंडल रॉड्रिक्स जो हैं ये इनका निधन हो गया, ये फैशन डिजाइनर थे, ये फैशन डिजाइनर थे। भारत हाइड्रोग्राफिक सर्वे श्रीलंका के साथ मिलकर करेगा, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, और श्रीलंका एक एकमात्र देश है जिसके साथ भारत का पानी वाला बॉर्डर है, बाकी सबके साथ जमीन वाला बॉर्डर है। ऋषि सुनाक ये नए वित्त मंत्री बने हैं ब्रिटेन के, और ये भारतीय मूल के हैं, नारायण मूर्ति के ये दामाद हैं ऋषि सुनाक, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं
ब्रिटेन के। गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क बना था सूरत में, सूरत जिले में बना था पहला मेगा फूड पार्क। किगाली राजधानी है रुवांडा की, रुवांडा की राजधानी है किगाली और युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो रुवांडा और युगांडा में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग देश हैं। मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ था मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई में। ए सूर्य प्रकाश जो हैं ये प्रसार भारती के चेयरमैन थे, प्रसार भारती जो भारत में दूरदर्शन और जो ये सब चैनल आते हैं प्रसार भारती, तो आंसर है प्रसार भारती। डालिला मोहम्मद एथलीट हैं अमेरिका की, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ऑगस्टा मास्टर खिताब दिया जाता है गोल्फ में, इसको बोलते हैं द मास्टर्स, ऑगस्टा में होता है अमेरिका में इसलिए ऑगस्टा मास्टर बोलते हैं। इसमें जो जीतता है उसे ग्रीन कलर की जैकेट मिलती है, हरे रंग की जैकेट पहनाई जाती है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ में, कर्नाटक में एक शहर है धारवाड़। वी थिंक डिजिटल फेसबुक ने शुरू करा है, फेसबुक। पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। एनआईएफएम फरीदाबाद का नाम श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा जाएगा, अब दिवंगत हैं, इनकी लास्ट ईयर डेथ हुई थी अरुण जेटली। 50 रुपये के नोट पे मिलेगा आपको हम्पी, जो कर्नाटक का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विरासत स्थल है, हम्पी की गुफाएं, हम्पी का रथ, तो हम्पी का जो रथ है वो मिलेगा 50 रुपये के नोट पे। अमरजीत सिंह कियाम भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अमरजीत सिंह कियाम फुटबॉल खेलते हैं। प्रयुत चानोचा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, प्रयुत चानोचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो 19 सवाल थे, आई होप आपको मज़ा आया होगा करने में। क्विज तो बहुत ही एक सरस है, नीरस नहीं है, तो क्विज के बिना वीडियो जरूर नीरस हो जाता है। चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन, ये कंपनी है एक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन, इन्होंने अपनी फिटनेस श्रेणी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, ये हैं मिलिंद सोमन, मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन ने अपनी आत्मकथा लिखी अभी अभी, क्या आप उसका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मिलिंद सोमन ने जो आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या है। और एक कंपनी है लोटस हर्बल, इन्होंने जैकलिन फर्नांडिस को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जैकलिन फर्नांडिस जो हैं ये श्रीलंका की अभिनेत्री हैं, पर भारत में भी इन्होंने काफी नाम कमाया है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। दुनिया भर में परंपरागत रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले औषधीय पौधों को लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सो आंसर है नई दिल्ली। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तरी गोवा, नॉर्थ गोवा। और एक चीज याद रखिए, SFE हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड ये मिला के शर्मा को, और यहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर नित्यानंद को, डॉक्टर नित्यानंद को। और आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल एथनोफार्माकोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला डॉक्टर रॉय उपटन को। आप बस एक अवार्ड याद रख लीजिए और वो है ये आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, इसके बाहर नहीं आएगा, डॉक्टर नित्यानंद बस। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑल स्टार गेम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP अवार्ड स्थायी रूप से किसके नाम पर रखा गया है। ऑल स्टार गेम MVP अवार्ड का नाम कोबे ब्रायंट के नाम पर रखा गया है, ब्लैक मांबा कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट का निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना कैलिफोर्निया में जो हुई थी, और ये LA लेकर्स, लॉस एंजलिस लेकर्स जो बास्केटबॉल क्लब है उसके लिए खेला करते थे। तो अब से NBA का जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा हर साल उसे मिलेगा ऑल स्टार MVP अवार्ड। चलो एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, अवार्ड का नाम ध्यान से सुनो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, ये किस क्षेत्र से संबंधित है और ये इस साल किसे दिया गया है, कमेंट्स में लिख के बताओ। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है जो हैदराबाद में आयोजित हो रहा है। पहली बात तो ये याद रखिए, बायो एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हैदराबाद में हो रहा है, और इसका थीम है टुडे फॉर टुमारो, टुडे फॉर टुमारो, यानी हमें आज को मजबूत करना है आने वाले भविष्य के लिए। और बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक कंपनी याद रखिए बायोकॉन, इसकी चेयरमैन हैं किरण मजूमदार शॉ, और किरण मजूमदार शॉ को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा
जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला था किरण मजूमदार शो को, और किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये भी याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है किरण मजूमदार शो को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर रक्षा व्यय में भारत का स्थान क्या है? रक्षा व्यय मतलब सेना के ऊपर खर्च करने के मामले में नंबर वन है अमेरिका, नंबर दो पे है चाइना, नंबर तीन पे है सऊदी अरब, नंबर चार पे है रूस और पांचवें नंबर पे है भारत। ये रिसर्च किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS ने, ठीक है। और चलिए ये बताइए, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिप्री, ये सिप्री इंस्टीट्यूट कौन से देश में है और कौन से शहर में है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 जो कि किस शहर में आयोजित किया जाना था उसको कोरोना वायरस के डर के कारण रद्द कर दिया गया है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये स्पेन का एक शहर है बहुत बड़ा, बार्सिलोना, वहां पे होना था पर इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के कारण। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को COVID-19 कहा गया है, COVID-19, और ये 24-27 फरवरी को बार्सिलोना में होना था। गोवा ने किस देश के साथ शिक्षा, पानी, जहाज निर्माण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, यानी एजुकेशन, वाटर एंड शिप मैन्युफैक्चरिंग, गोवा ने पुर्तगाल के साथ करा है, और गोवा के ऊपर पुर्तगाल का काफ़ी लंबे समय तक जो है वो कब्जा था, या ये कहिए गोवा गुलाम था पुर्तगाल का बहुत लंबे समय तक, पर गोवा ने अभी ये किया है। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डे सूसा, वो भारत आए थे और गोवा के मुख्यमंत्री से मिले प्रमोद सावंत से। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम याद रखिए मार्सेलो सूसा, आप इतना याद रख लीजिए बस, मार्सेलो सूसा। प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा, तो दोनों में फर्क है, मार्सेलो सूसा है राष्ट्रपति और एंटोनियो कोस्टा है प्रधानमंत्री। एक चीज और याद रखिए, एक एग्रीमेंट और हुआ है कि पुर्तगाल का एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा यानी कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय, तो गोवा का कॉलेज है जिसका नाम है जी के करे कॉलेज, इनके बीच भी आपस में एक करार हुआ है, ये दोनों एक दूसरे की अनुसंधान में मदद करेंगे, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में किस स्थान पर एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो ये कहां बनेगा? ये बनेगा लोथल में, लोथल है गुजरात में, और लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था लोथल, यहां पे बनेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हो गई है, ये उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच चलेगी? काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलेगी, और ये किन स्थानों को जोड़ेगी? तो याद रखिए तीन मंदिर हैं जिन्हें जोड़ेगी ये ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस। एक मंदिर है इसमें महाकाल का मंदिर, महाकालेश्वर बोलते हैं उसे, उज्जैन में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में मंदिर है, और दूसरा मंदिर है काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में, और तीसरा है ओमकारेश्वर जो इंदौर के पास है मध्य प्रदेश में। तो तीन मंदिरों को ट्रेन जोड़ेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस, उज्जैन का मंदिर है महाकालेश्वर, और दूसरा है काशी विश्वनाथ वाराणसी में, और तीसरा है ओमकारेश्वर जो इंदौर के पास है मध्य प्रदेश में, इनको जोड़ेगी। और एक और चलो इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस ट्रेन में जो सीट नंबर 64 है, इस ट्रेन का जो डब्बा है, डब्बे का नाम है B5, अगर आपने ट्रेन में यात्रा करी है तो आप जानते हैं डब्बों के नाम भी होते हैं और सीट के नाम भी होते हैं, तो ट्रेन का डब्बा है B5 और सीट का नंबर है 64, ये है वो सीट ऊपर देख रहे हैं, इस सीट को शिव भगवान के लिए रिजर्व किया गया है। तो याद रखिए भगवान शिव के लिए सीट नंबर 64 B5 डब्बे की आरक्षित की गई है, इसको किसी व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। कंबाला ये किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कंबाला जो खेल है ये कर्नाटक का खेल है, इसमें जो भैंस होती है उसकी रेस करवाई जाती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट खेल है कर्नाटक का, मतलब बड़े लेवल पे होता है। तमिलनाडु का एक खेल है जिसे बोलते हैं जलीकट्टू में क्या किया जाता है कि जो पशु है उसको, हिंसक पशु, उसको टेम किया जाता है यानी उसको कंट्रोल में किया जाता है एक भीड़ के द्वारा। फिर आंध्र प्रदेश का एक खेल है जिसे बोलते हैं मुर्गों की लड़ाई, कॉक फाइटिंग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉक फाइटिंग,
मुर्गों की लड़ाई ये की जाती है आंध्र प्रदेश में। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट खेल हैं भारत के अंदर। कंबाला खेल में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय में एक रिकॉर्ड बनाया इस बार। मतलब कहते हैं कि कंबाला खेल के सब इतिहास में सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड था। उनका नाम है श्रीनिवास गौड़ा, कर्नाटक के व्यक्ति श्रीनिवास गौड़ा। इन्होंने इतना तेज भागा कि वो एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया और इनकी तुलना उसेन बोल्ट जैसे खिलाड़ियों से की जा रही। किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए रिकवरी प्लाज्मा एक दवाई बनाई है जिसका नाम है रिकवरी प्लाज्मा? तो ये चीन ने बनाई है दवाई। अब ये कितना काम करेगी देखना होगा, क्योंकि चीन में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का विषय क्या था? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है, यहां पे भारत की तरफ से गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और वहां पे उन्होंने मुलाकात करी माइक पोम्पियो से। माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो याद रखिए, ये इसका जो थीम था वो था वेस्टलेसनेस, वेस्टलेसनेस, ये था थीम इस कॉन्फ्रेंस का। और ये हुई कहाँ पे थी? म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पे है? म्यूनिक शहर जर्मनी में है, राजधानी बर्लिन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पे जर्मनी में म्यूनिक। एक कंपनी है टीटागढ़ वैगन, टीटागढ़ वैगन नाम की कंपनी जो है, ये देश में अनुसंधान जहाज यानी रिसर्च वेसल बनाने वाली एकमात्र निजी कंपनी है। अभी इन्होंने दूसरा अनुसंधान जहाज बनाया है, दूसरा अनुसंधान जहाज बनाया। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका। और जो इन्होंने पहला जहाज बनाया था अनुसंधान के लिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सागर तारा। तो पहला जहाज था इनका सागर तारा और दूसरा है सागर अन्वेषिका, टीटागढ़ वैगन नाम की जो कंपनी है, याद रखिए। और इन्होंने ये जहाज किसके लिए बनाया है? इन्होंने बनाया ये एनआईओटी के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, समुद्री प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान। क्या आप बता सकते हैं एनआईओटी कहां पे है, भारत के किस शहर में है एनआईओटी? 2020 टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? जब हम बात करते हैं पीजी मतलब प्रोफेशनल गोल्फ, बात हो रही है गोल्फ की, तो कौन से गोल्फ खिलाड़ी हैं? इनका नाम है उदयन माने, उदयन माने। तो उदयन माने कहां के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं, पुणे के हैं, और इन्होंने फाइनल में गुड़गांव के खिलाड़ी को हराया जिनका नाम था वीर अहलावत। तो सवाल आ सकता है वीर अहलावत और उदयन माने का संबंध कौन से खेल से? तो आंसर है गोल्फ। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपने तीसरे भारत विकास केंद्र को शुरू करने की घोषणा करी? माइक्रोसॉफ्ट अपना तीसरा भारत विकास केंद्र जो है वो शुरू कर रहा है अभी भारत में, नोएडा में, नोएडा में कर रहा है, नोएडा यूपी में है। और इससे पहले दो इनके जो हैं इनोवेशन हब यानी नवाचार या विकास केंद्र जो हैं वो हैं बेंगलुरु में और हैदराबाद में, अब कर रहा है ये नोएडा में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्य नडेला। डेबी अब्राहम ये एक सांसद हैं, विवादास्पद, कौन से देश की सांसद हैं? ये ब्रिटेन की सांसद हैं, और मामला ये हुआ कि ये भारत में ई वीज़ा लेकर आई, लेकिन यहाँ पे इन्हें एयरपोर्ट में घुसने से मना कर दिया, भारत में एंट्री नहीं मिली, इन्हें वापस लौटना पड़ा। तो इन्होंने ये कहा कि मैं भारत की सरकार के विरुद्ध हूँ इसलिए ऐसा हुआ, पर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ई वीज़ा का कंसेप्ट होता ही नहीं है ब्रिटेन के नागरिकों के लिए, तो झूठ बोल रही है। खैर जो भी मुद्दा है, डेबी अब्राहम जो है ये लेबर पार्टी की मेंबर है, लेबर पार्टी, खैर ये ज़्यादा वजन नहीं रखती क्योंकि लेबर पार्टी वहाँ सत्ताधारी पार्टी नहीं है। लेबर पार्टी को बुरी तरह से हराया था बोरिस जॉनसन की पार्टी ने जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। रिचर्ड ब्रैंसन ने नई दिल्ली और किस शहर के बीच हाइपरलूप परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क करा है? रिचर्ड ब्रैंसन हाइपरलूप बनाना चाहते हैं, ये अभी अभी जो मुंबई है और नई दिल्ली इनके बीच हाइपरलूप बनाना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा हाइपरलूप होगा दिल्ली से मुंबई, 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और मुंबई के बीच, 1300 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये हाइपरलूप बन गया तो बहुत जल्दी लोग ये 1300 किलोमीटर कवर कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई आप सिर्फ 2 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं हाइपरलूप से। यस, दिल्ली से मुंबई सिर्फ 2 घंटे, यानी फ्लाइट से भी कम, फ्लाइट 3 घंटे लेती है लगभग, और हाइपरलूप से आप सिर्फ 2 घंटे में ट्रैवल कर पाएंगे ऐसा माना जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में, क्योंकि हाइपरलूप की जो स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति आवर के आसपास है, तो अगर 1300 किलोमीटर भी है तो 1 घंटे से कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन अभी संभावनाएं हैं, अभी पता कुछ नहीं है। तो रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी का क्या नाम है? वर्जिन अटलांटिक, इनकी एक कंपनी है जिसको वर्जिन अटलांटिक कहा जाता है, और बहुत सारे बिजनेस हैं इनके, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं रिचर्ड ब्रैंसन।
किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। अब ओलंपिक खेलाने वाले हैं 2020 में टोक्यो में, और इसका जो मैस्कॉट है वो है मिराई टोवा, और पैरा खेलों के लिए है सोमेटी, मिराई टोवा और सोमेटी। तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा का अगर कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत लेगा तो 6 करोड़ रुपए उसे दिए जाएंगे, याद रखिए। बाकी और भी हैं, मतलब अगर आप कम जीतोगे वो करोगे तो फिर आपको कम मिलेंगे, और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी 15 लाख रुपए तो हरियाणा की सरकार आपको देगी, ठीक है ना, वो आपको देगी। और हरियाणा गवर्नमेंट, एक बात याद रखिए, अगर एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतते हो तो 3 करोड़ देगी, एशियाई खेलों में जीतते हो तो 3 करोड़, और कॉमनवेल्थ खेलों में जीतते हो तो 1.5 करोड़ देगी। मतलब खेलों के स्तर के हिसाब से रखे हैं, ओलंपिक में 6 करोड़, एशियाई खेलों में 3 करोड़, और राष्ट्रमंडल खेलों में 1.5 करोड़। किस फिल्म ने 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इस बार फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए थे इसका आयोजक थी अमेजॉन। ये फिल्म है गली बॉय। गली बॉय ने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और बहुत लोग इस बात से खुश भी नहीं है। इनफैक्ट कईयों ने तो ये कहा है कि हम फिल्म फेयर अवार्ड्स को बायकॉट करेंगे। तो आपको जो अवार्ड याद रखने हैं, बस सिर्फ जो मैं 6 बता रहा हूँ, बस ये। बेस्ट फिल्म है गली बॉय, बेस्ट डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, अगेन गली बॉय, और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, अगेन गली बॉय, बेस्ट एक्ट्रेस भी आलिया भट्ट, गली बॉय। तो कितना आसान हो गया याद रखना, ये मुझे उसकी याद दिलाता है जैसे जो ग्रैमी अवार्ड हुए थे उसमें बिली एलिश थी जिन्होंने सारे अवार्ड जीत लिए थे, तो याद रखना आसान हो जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, हाँ ये देखिए, 2 अवार्ड याद रखिए, एक तो है अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन सिनेमा और एक है आजीवन उपलब्धि। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले जैसी फिल्में बनाई हैं, और एक अवार्ड और मिला है उत्कृष्टता पुरस्कार, अवार्ड ऑफ एक्सलेंस, वो मिला है गोविंदा को, मशहूर एक्टर गोविंदा। तो ये था हमारा 18 फरवरी का वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्दी 19 फरवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।